हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो फ्रेंड्स। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली केक केयर के फैंस के लिए। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि केक केयर की तरफ से आईपीएल 2022 में कौन कप्तानी कर सकता है, कुछ भी विकल्प बताऊंगा कि किन प्लेयर्स को टारगेट कर सकती है आईपीएल 2022 की मेगा ऑक्शन में। तो कुछ प्लेयर्स गिने चुने के नाम बताने वाला हूँ, आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो के लास्ट में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस के लिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली और आईपीएल के फैंस के लिए भी, क्योंकि बहुत बड़ी टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स की, टीम रनरअप रह चुकी है आईपीएल 2021 की। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स मिलती रहेंगी आईपीएल 2022 को लेकर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम जो कि कप्तानी के लिए ऑप्शन हो सकता है वो रिटेन्ड प्लेयर है आंद्रे रसल को पहले नंबर पर इन्होंने रिटेन किया कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने आईपीएल 2022 की मेगा ऑक्शन से पहले। तो आंद्रे रसल जो कि काफ़ी समय से खेल रहे हैं, जुड़े हुए हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से, एक्सपीरियंस भी है, वाइस कैप्टेंसी भी ये कर चुके हैं। तो आंद्रे रसल के ज़्यादा चांसेस है एज़ कम्पेयर टू अदर जो कि टारगेट होने वाले, जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपकी क्या राय है, आंद्रे रसल होने चाहिए या फिर नहीं की केयर के कप्तान आईपीएल 2022 में? नेक्स्ट जो नाम आता वो आता डेविड वॉर्नर का। डेविड वॉर्नर की अगर हम बात करें, जिन्होंने एसआरएच की टीम की तरफ से काफ़ी अच्छी कप्तानी की थी, लेकिन आईपीएल 2021 में अच्छा प्रदर्शन ना होने के कारण टीम का भी और इनका भी, इनको कप्तानी से हटा दिया गया था और प्लेइंग 11 में भी ज़्यादा जगह इनको नहीं मिली। तो डेविड वॉर्नर भी एक अच्छे कप्तान साबित हो सकते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए, ये भी एक ऑप्शन हो सकते हैं। आपकी क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया के ही प्लेयर हैं स्टीव स्मिथ की अगर हम बात करें, हालांकि आईपीएल में उतना अच्छा प्रदर्शन इनका नहीं रहा, लेकिन इन्होंने एशिस में एज ए कैप्टन वापसी की थी जहां पर पैट कमिंस अनअवेलेबल थे सेकंड एशिस में, तो काफ़ी अच्छी कैप्टनसी की थी। हालाँकि अब ये वाइस कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया की टीम के, तो स्टीव स्मिथ भी एक कप्तान साबित हो सकते अच्छे। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं केएल राहुल और सुरेश अय्यर को लेकर, दरअसल ये भी दो बेहतरीन कप्तान साबित हो सकते हैं केकेआर की टीम के लिए, लेकिन इनको आईपीएल 2022 का प्लेयर ड्राफ्ट जो कि होने वाला है मेगा ऑक्शन से पहले, दोनों टीमों को मौका दिया जाएगा, शायद ये दोनों टीमों में चले जाएं। केएल राहुल का तो कंफर्म्ड हो चुका है, लखनऊ की टीम इनको ले गई अहमदाबाद में, शायद सुरेश अय्यर चले गए कप्तानी करते हुए हमें दिखे। आप कमेंट करके जुड़ते हैं इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा कप्तान होना चाहिए आईपीएल 2022 में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप ओपिनियन प्लीज़ ज़रूर दें, क्योंकि आप फैन केकेआर की टीम के तो आपका ओपिनियन भी इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें आने वाली वीडियोस के लिए।